है तो शुरुआत करते हैं इस वक्त की इस खबर के साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव में 58 जिलों की 27 सीटों के लिए शनिवार को हुए मतदान की मतगणना हो रही है, जिसमें 24 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। 9 विधान परिषद सदस्य पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 36 विधान परिषद सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया है। वाराणसी विधान परिषद सीट से बृजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह, आजमगढ़ से विक्रांत सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, तो वहीं प्रतापगढ़ में अक्षय प्रताप सिंह जनसत्ता दल के प्रत्याशी के रूप में विजय प्राप्त कर चुके हैं। 36 सीटों पर समाजवादी पार्टी एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर सकी है। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के बाद विधान परिषद में भी प्रचंड जीत हासिल कर बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को मेरी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। इस जीत ने यूपी में डबल इंजन की सरकार पर मुहर लगा दी है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने भी विधान परिषद में भारी जीत पर खुशी जताई और कहा कि उत्तर प्रदेश के स्थानीय प्राधिकारी विधान परिषद चुनाव में भाजपा ने 36 में से 33 सीटों पर विजय का परचम फहराया है। प्रत्येक चुनाव में यूपी में कमल खिलना अब मोदी जी और योगी जी की लोक कल्याणकारी नीतियों और देवतुल्य कार्यकर्ताओं के निरंतर और अथक परिश्रम का प्रतिफल है। और साथ में हम आपको यह भी बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है और उन्होंने भी जिस तरह से जीत हुई है उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कार्यकर्ताओं को और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई देते हुए एक ट्वीट आया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता रामेंद्र सीधे जुड़ गए हैं लखनऊ से, उनके पास चलते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं ज्यादा। रामेंद्र, अब लगभग तय ही हो गया है कि बीजेपी का परचम जो है वो उत्तर प्रदेश में फहरा रहा है, लहरा रहा है। इन चुनावों के साथ जो बीजेपी का एक तरीके से संकल्प शुरू हुआ विकास का, लगता है कि वो आगे बढ़ रहा है अब। बिल्कुल रीमा, अगर देखें उत्तर प्रदेश की सरजमीन को देखें, विधानसभा में आप स्वयं यहाँ थी जब ये कहा जा रहा था कि नहीं अखिलेश यादव तो बड़े बहुमत के साथ आएंगे, एक पूरा वर्ग जुटा हुआ था, एक पूरी मीडिया का वर्ग जुटा था, विधानसभा को पार किया और विधान परिषद के चुनाव में भी वही हाल भारतीय जनता पार्टी का। हालांकि समाजवादी पार्टी उससे नीचे गिरती हुई दिख रही है। 36 विधान परिषद सीटों के लिए चुनाव हुआ है, जिनमें दो निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं, एक जनसत्ता दल जो प्रतापगढ़ से है रघुराज प्रताप सिंह की पार्टी, उससे अक्षय प्रताप सिंह जीते हैं, दो जगह एक जगह ब्रजेश सिंह जो वाराणसी सीट है ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह चुनाव जीती है, वहीं आजमगढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी ने चुनाव जीत दर्ज किए। लेकिन समाजवादी पार्टी कहीं भी 2-3% से ज्यादा वोट नहीं पाई, जीत हार अपनी जगह मायने रखती है। यानी संघर्ष के इस मुकाम पर जो समाजवादी पार्टी को तेजी से आगे बढ़ना चाहिए तो उनके प्रत्याशी को 2% या 3% वोट मिला है। ये दुखद पक्ष है कि समाजवादी पार्टी कैसे आगे चुनाव लड़ेगी, कैसे जनता के बीच जाएगी, क्या बताएगी। उसके कार्यकर्ता और जो नेता है जिसकी बड़ी बड़ी बातें अखिलेश यादव किया करते थे, शायद वो दंभ इस विधान परिषद चुनाव में टूट गया है। रीमा, रामेंद्र, एक बात जो निकलकर सामने आ रही है इन पूरे नतीजों के साथ, एक बात तो आपने कही समाजवादी पार्टी को अब सोचना होगा कि भविष्य कहां पर जाता हुआ उसका दिख रहा है, पार्टी आखिर कहां पर खड़ी हुई नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ 2017 में जब मुख्यमंत्री बने थे योगी आदित्यनाथ, तब जब MLC के चुनाव हुए तब समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन इतना खराब नहीं था, काफी अच्छा प्रदर्शन था। इससे ये निकलकर सामने आ रहा है, जैसा मुझे लग रहा है, आप बताएं कि सही हूं मैं या नहीं, 2017 से लेकर जो सरकार का कामकाज शुरू हुआ और अब जिस तरह से यहां पर पहुंचा है, आपको लगता है कि जनता के बीच में जाना, जनता के बीच में बात करना और जिस तरह से तमाम चीजें रही, उसका असर अब आने वाले दिनों में भी दिखाई देगा, क्योंकि आज के नतीजों से तो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है ये बात। देखिए, स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव जहां पंचायत प्रतिनिधि चुनाव डालते हैं, जाहिर है कि अगर आप उस सरकार को, योगी सरकार का पूरा कामकाज देखें, पंचायतों तक पहुंच देखें, पंचायतों को लेकर के जो फंड देना है वो देखें, भ्रष्टाचार को किनारे करके योजनाओं का विस्तार देखें, ये सारी चीजें जनता के बीच गई हैं। और जनप्रतिनिधियों से जब संवाद होता है, प्रधानों से अलग संवाद होता है, क्षेत्र पंचायत के लोगों से अलग संवाद होता है, जिला पंचायत के लोगों से अलग संवाद होता है, उनकी समस्याएं कोविड के दौर में वर्चुअली सुनी मुख्यमंत्री ने, लेकिन उनसे बात की, उनकी समस्याएं सुनी, लोगों का समाधान कैसे, इस पर उन्होंने बात की। तो जब आप सीधे कनेक्ट होते, जब मुख्यमंत्री पंचायत के लोगों से कनेक्ट होता है और उनकी समस्याएं सुनता है, उनके प्रोग्राम में हिस्सेदारी लेता है, कैसे क्या फंड दिया जाए, क्या काम कैसे किया जाए, उनसे बात करता है, तो एक कनेक्ट बनता है। ये उस कनेक्ट का चुनाव था
विधान परिषद में, जहां पंचायत प्रतिनिधियों ने वोट देके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया है। और यह अहंकार की भाषा मुख्यमंत्री नहीं बोलते, छोटे छोटे लोग जो आए थे कोविड के दौरान, प्रधानों से पूछा इनको कैसे समायोजित किया जाए, इनको कैसे भोजन की व्यवस्था दी जाए, इनको किस तरीके से रखा जाए कि ये कोविड के दौर में सुरक्षित रहे, कैसे काम चलता रहे, कैसे जिंदगी भी चलती रहे और ये कोविड का दौर भी चलता रहे, दोनों के बीच एक रास्ता निकाला जाए। तो ये जो संवाद था, ये जो कनेक्शन था, उसने इन चुनाव को जिताया है। और योगी लगातार ये काम करते हैं। इसे चुनाव से पहले भी पंचायत प्रतिनिधियों से उन्होंने बात की थी, उन्होंने कहा हमने 5 साल आपके साथ काम किया है, हमने योजनाएं दी, हमने फंड दिया है और गांव का विस्तार किया, विकास किया है, आपसे वो अपेक्षा है कि आप पंचायत प्रतिनिधियों का जो चुनाव होने जा रहा है विधान परिषद का, उसमें आप वोट दोगे, और उस पर वो खड़े उतरे। तो ये जो कनेक्शन है, इसको अखिलेश कैसे तोड़ेगी, इसको कांग्रेस कैसे तोड़ेगी, ऐसा नेता तो लाना पड़ेगा, ऐसी नीतियां लानी पड़ेगी, उसमें विफल है सब। रामेंद्र, समाजवादी पार्टी को अंदाजा था इतनी बुरी हार का क्या, क्योंकि बीजेपी की तरफ से तो लगातार 2 दिन से हम देख रहे हैं, चाहे वो ट्वीट्स के माध्यम से हो, नेताओं का की जो बातचीत थी और खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जो बात कही थी, उससे लग रहा था कि बीजेपी कॉन्फिडेंट थी, लेकिन सपा को इतनी बुरी हार की उम्मीद थी अपनी? देखिए, सपा के साथ संकट कह रही, अगर अखिलेश यादव की जो कोर मंडली उसकी बात करो, उदयवीर रहे हो, सुनील साजन रहे हो, चाहे राजेश यादव रहे हो, या ऐसे लोग हैं जो अखिलेश यादव की ऊर्जा से प्रकाश मानते हैं, ये संघर्ष की उपज नहीं है। मुलायम सिंह आखिर शिवपाल यादव नहीं है, ये शिवपाल यादव की वो टीम नहीं जिसमें आजम खान होते थे, जिसमें तमाम और लोग होते थे, ये वो टीम है जो ऊर्जा लेती थी अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव की ऊर्जा से प्रकाशमान थे, गाँव में प्रधानी का चुनाव जीतने लायक लोग नहीं थे जो स्टेट की पॉलिसी बना रहे थे। जब तक आप अच्छे लोगों को साथ नहीं रखोगे, ये निर्णय इसी तरह आएगा। और समाज भारतीय जनता पार्टी भी इसलिए लगातार ट्वीट कर रही थी, उत्साहित, उसको पता था कि ये लोग जो प्रधानी का चुनाव नहीं जीत सकते, जो अखिलेश यादव ऊर्जा से प्रकाश पा रहे, इनकी जमीन पर क्या हाथ होने वाला, इसलिए कॉन्फिडेंट थी। और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी लगातार हर चुनाव में डिफीट कर रही है और पतन की ओर जा रही है दिमाग। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए, और हम आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे।